Hi guys, welcome to my YouTube channel. What a remarkable day for the Indian cricket and the Indian cricket fans and all over the world. Jis badhiya andaaz se cricket kheli gayi hai India team ne, unbelievable. 208 runs ka target 18.4 overs mein complete kar diya gaya. No doubt I was jab India team ne toss jeet ke pehle bowling karne ka faisla kiya to ye laga ke India jo hai 150-160 के करीब लगभग उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन वेस्टइंडीज को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से पोलार्ड हो गए, एटमायर ने जिस तरह से इनिंग खेली, उसके बाद दिनेश रामदीन ने आके इनिंग खेली नीचे से, और जिस तरह जेसन होल्डर ने मारा 208 रन. इंडिया की टीम जिस तरह खेली, फील्डिंग में पहले बात करूँगा, बॉलिंग में जो वॉशिंगटन हैं उन्होंने बड़े रन दे दिए, वहाँ थोड़े से प्रेशर बिल्डअप हो रहा था. जिस तरह की फील्डिंग रही इंडिया की, इंडिया जिस तरह की टीम है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की फील्डिंग करेगी, क्योंकि कैचेस ठीक है ड्रॉप होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, बट कैचेस रेगुलर बेसिस पर ड्रॉप होना विच इज़ नॉट गुड. तो वहाँ थोड़ा लगा कि यार क्या हो रहा है ये टीम के अंदर. इवन के कॉमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि वॉट इज़ हैपन टू द इंडियन टीम इन द फील्डिंग. वॉशिंगटन ने बहुत सारे रन दे दिए और ब्रेक थ्रू दिया क्रूशियल टाइम पे, चहल ने पोलार्ड को जहाँ बोल्ड किया. मुझे याद आ गई अपनी कि जब मैं काउंटी का मैच खेल रहा था, मेरी काउंटी एसेक्स थी, और जब कायरन पोलार्ड ने मुझे एक छक्का मारा था और मैंने उसको वही फ्लिपर किया था जो चहल ने किया और उसको बोल्ड किया, और वहाँ से जो है रन का मोमेंटम है वो थोड़ा कम हुआ और वहाँ जाके जो है टीम वापस से फाइट बैक पे आई. बड़ा ज़बरदस्त एक लम्हा था वहाँ पे, जिस तरह से दीपक चहार हो गए और अपना बाकी बॉलर्स हो गए, भुवनेश्वर कुमार ने काफ़ी रन दे दिए, दीपक चहार ने रन दे दिए, लेकिन इट वाज राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद का जो विकेट था व्हाट अ क्रैकर, क्योंकि वो वहाँ पर इतना ब्रेक नहीं हो रहा था, बैट्समैन के जो बॉल है बल्ले पर आ रहा था, वहाँ पर ईजीली हिट हो रहे थे. लेकिन क्रेडिट जाता है इंडियन टीम को, वंस अगेन माइस्ट्रो द किंग विराट कोहली सिंगल हैंडेडली मैच ले गए और 18.4 ओवर से मैच ख़त्म कर दिया. 96 के वो अपने 100 के लिए जो है उनके 4 रन से 100 भी रह गए, लेकिन नो डाउट द वे ही प्लेड. अगर इस जगह पे अगर हम दूसरी टीम को देखें, अगर होती तो 20 ओवर में 208 रन तो पता नहीं कितने विकटेज जाती, प्रेशर हो जाता, और ये है कि मैच सिंगल हैंडेडली जो है तो बॉलिंग टीम जाती. लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा केएल राहुल ने स्टार्ट दिया, केएल राहुल की बहुत ही बढ़िया इनिंग, नो डाउट रोहित शर्मा आउट हो गए थे अर्ली, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह को इनिंग को बिल्ड किया, पार्टनरशिप लगाई और बहुत ही बढ़िया अंदाज से उसने बैटिंग करी, अनबिलीवेबल. लेकिन विराट कोहली इज़ अ विराट कोहली. जिस तरह विराट कोहली ने हेडन वॉल्श जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो कैरी पैरी, फिर उसके बाद पोलार्ड, उसके बाद जो उनकी फास्ट बॉलिंग कैसरिक विलियम्स, जिस तरह के उनको रन, उनको हर ओवर में रन लिए उनसे, इट वाज अनबिलीवेबल जिस अंदाज से वो खेलता है. क्योंकि जब उसने एक शतक मार दिया था अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज के अंदर विराट ने, तो वहाँ से उसकी फॉर्म वापस आ गई और फॉर्म जो है उसने आज दिखाई कि इन एज अ कैप्टन दिस इज़ हाउ यू प्ले. शोल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाया. 100 out of 100 टू विराट कोहली. नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इन द करंट डेज एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कमिंग फ्यूचर. जो है विराट कोहली जो है अपना जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों से लिखवाया जाएगा, क्योंकि जिस यंग एज के अंदर आके उसने अपनी क्रिकेट एबिलिटी से इंडियन क्रिकेट को जो है एक ग्लोरीज दी है, पहले अपनी बैटिंग से, उसके बाद कप्तानी से, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब इंडिया की टीम मुश्किलात में थी और वहाँ से टीम को निकाला. तो मेरे ख्याल से जिस तरह सौरभ गांगुली थे, सौरभ गांगुली का ट्रेंड विराट कोहली ने अपनाया हुआ है, MS धोनी का ट्रेंड अपनाया हुआ है, जिस तरह से ये प्लेयर थे बड़े दिलेर थे, विराट कोहली बहुत ही तो दिलेर कप्तान है और दिलेर बैट्समैन है. इनिंग देख के मज़ा आ गया और वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया. 208 रन करने के बाद अगर टीम हार जाए, वो भी 18.4 ओवर में, वहाँ पर टीम का मोरल डाउन हो जाता है और आप सीरीज में पूरे हावी हो जाते हैं, और इंडियन टीम ने ये कर दिखाया. मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद है विराट कोहली
जो उसने बड़ी बढ़िया इनिंग खेली, फिर उसके बाद इंडियन टीम को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग के अंदर कमबैक किया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियन टीम एंड ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड. थैंक यू.